स्पिरिचुअल टीवी, आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। एक प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वे घोड़े को अर्पण हो जाता। घोड़ा बड़ा ही सुंदर और बलवान, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी उन्हें। अब वह बाहर गांव के एक छोटे से मंदिर में रहते, भगवान भजन करते और मैं सुल्तान के बिना ना रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वह तो उसकी चाल पर भी लट्टू थे और कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह बोला, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हाँ, इसीलिए तो उपस्थित हुआ हूँ, एक बार मैं भी देखना चाहता हूँ। जैसे ही घमंड में बाबा ने अपना घोड़ा दिखाया, खड़ग सिंह तो आश्चर्य से देखता रह गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा ना था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़ग सिंह के पास होना चाहिए, ऐसे साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर आश्चर्य से चुप खड़ा रहा और अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, मैंने इसकी चाल तो देखी नहीं। दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती जी का हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर तो खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो चीज पसंद आ जाए उस पर अधिकार जमाना वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार सोचता था, और बाहुबल तो उसके पास था ही। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। जब देखो तब उनको एक ही भय सताता। परंतु कई मास बीत गए, वह न आया। बाबा भारती ने सोचा, मजाक कर रहा होगा, और यही बात सोचकर वह असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में बड़ी चमक थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और तभी अचानक उन्हें आवाज सुनाई पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। एक कपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करार रहा था। बोला, अरे तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा दुखिया रहा हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? वहाँ पे एक वैद है, आपने उसका नाम तो सुना ही होगा, मैं उसका सुतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा एक व्यक्ति घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा था। उनके मुख से विस्मय, भय और निराशा से चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर उसके बाद निश्चय करके चिल्ला कर बोले, ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,
बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ, सुनो मेरी बात। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, पर घोड़ा ना दूंगा। घोड़े का नाम भी मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। बस इतनी प्रार्थना है, जो कुछ भी तुमने अभी किया है वह किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, ये क्या बात हुई। लेकिन उसकी समझ में ना आया, उसने कहा, बाबा जी इसमें क्या डर की बात है। बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे और किसी की मदद ना करेंगे। तुम्हारी वजह से किसी गरीब अपाहिज की मदद ना हो पाएगी। और उन्होंने यह बात कहकर घोड़े से अपना मुख मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए। तभी खड़ग सिंह ने सोचा, कितने उत्तम विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, और इसके बगैर न रह सकूंगा, और इसकी रखवाली में कई रात सोए भी नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आज उनके मुख पर दुख की रेखा ना थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों सन्नाटा था और तारे टिमटिमा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बात पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा जो कि खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी देकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी भी चोरी का ना डर था। तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसी स्थान पर बांध दिया और सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तभी बाबा को हिन हिनाने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वह आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़े हुए प्यारे घोड़े के गले लिपट गए, जैसे पिता और पुत्र बड़े दिनों बाद मिल रहे हों। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते, फिर वह संतोष से बोले, अब कोई भी दीन दुखियों से मुख ना मोड़ेगा, कोई नहीं मोड़ेगा, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आप सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।